पूर्वोत्तर रेलवे के महाप्रबंधक विनय कुमार त्रिपाठी ने 72वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर सैयद मोदी रेलवे स्टेडियम के ग्राउंड पर तिरंगा फहराया। इस अवसर पर उन्होंने रेलवे सुरक्षा बल, रेलवे सुरक्षा विशेष बल के जवानों, नागरिक सुरक्षा कोर के सदस्यों, स्काउट गाइड एवं रेलवे विद्यालयों के छात्र छात्राओं द्वारा प्रस्तुत परेड की सलामी ली तथा गणतंत्र दिवस के अवसर पर पूर्वोत्तर रेलवे कला समिति, स्काउट एवं गाइड तथा रेलवे स्कूल के बच्चों द्वारा देशभक्ति पर आधारित सांस्कृतिक कार्यक्रम के अंतर्गत देशभक्ति गीत की प्रस्तुति की गई। इस अवसर पर पूर्वोत्तर रेलवे महाप्रबंधक विनय कुमार त्रिपाठी ने रेल अधिकारियों, कर्मचारियों एवं उनके परिवारजनों को गणतंत्र दिवस की बधाई देते हुए कहा कि यात्रियों को सुरक्षित एवं सुखद यात्रा प्रदान करने के लिए रेलवे अपनी कार्यप्रणाली के सुधार एवं आधुनिकरण के में निरंतर अग्रसर है। उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण के दौरान जब जन गतिविधियां पूरी तरह से थम गई थी, तब रेल कर्मियों ने देश सेवा में अपना अहम योगदान दिया। उन्होंने कहा कि 217 कोचों को कोविड केयर कोच में कन्वर्ट कर राज्य सरकार के मांग के अनुसार 16 विभिन्न रेलवे स्टेशनों पर रखा गया तथा पूर्वोत्तर रेलवे के गोरखपुर सहित अन्य स्टेशनों पर 911 श्रमिक स्पेशल ट्रेनों से लगभग 9,38,000 यात्रियां हैं। उन्होंने कहा गोरखपुर रेलवे स्टेशन पर देश में सबसे अधिक 313 श्रमिक ट्रेन आई और पूर्वोत्तर रेलवे के अनेक स्टेशनों से विभिन्न नगरों के लिए 116 श्रमिक स्पेशल गाड़ियां चलाकर लगभग 1,27,000 यात्रियों को उनके गंतव्य को पहुंचाया गया। इस अवसर पर पूर्वोत्तर रेलवे महिला कल्याण संगठन की अध्यक्ष मीना त्रिपाठी, आईजी आरपीएफ अतुल कुमार श्रीवास्तव, एसपी रेलवे डॉक्टर ब्रिजेश कुमार सिंह, सीपीआरओ पंकज कुमार सिंह सहित अन्य लोग मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए पूर्वोत्तर रेलवे के महाप्रबंधक विनय कुमार त्रिपाठी ने कहा को नवर्ती है या हमारे एक लंबी रेसिन श्रीमान गणतंत्र दिवस परेड आपके निरीक्षण के लिए हाजिर है। रिपोर्ट किया और माननीय महाप्रबंधक महोदय ने सहज परेड कमांडर के निवेदन को स्वीकार करते हुए निरीक्षण वाहन पर आरूढ़ होते हुए साथ में परेड कमांडर भास्कर सोनी, मुख्य अतिथि अब्दुल अतिथि श्री त्रिपाठी, 1983 बैच के IRPS से रेलवे का प्रतिनिधित्व किया, निरीक्षण वाहन प्लेटफॉर्म नंबर 1 के सामने से गुजरता हुआ निरीक्षक लखन सिंह मीना प्लेटफॉर्म कमांडर रेलवे प्लेटफॉर्म नंबर 2 प्लेटफॉर्म कमांडर उपनिरीक्षक रुपेश शुक्ला, और ऋषि गुप्ता पुरुष
प्रदान करें। कह रही है लाए रखना रोशनी जरूर होगी, चरागों को जलाए रखना, लहू देकर जिसकी हिफाजत हमने की, ऐसे तिरंगे को अपने दिल में बसाए रखना। परेड कमांडर निरीक्षक भास्कर सोनी, उनके साथ प्लाटून के वाइसी उप निरीक्षक। टूटे प्रकाश निर्भर प्राण प्राण बदल दो जमाना, हरा जगमगा दो, पसीने बहा दो, सोना बना दो। दर्शकों से अनुरोध है कि दर्शन ध्वज स्वागत करें आपका, ताली बजाना इनके लिए आशीर्वाद है। नेतृत्व में प्लाटो नंबर 6 पुरुष रेलवे बॉयज इंटर कॉलेज की टीम प्रणव द्विवेदी और सूरज पासवान के नेतृत्व में, प्लाटो नंबर 7 पुरुष रेलवे गर्ल्स इंटर कॉलेज की टीम चांद काउंट एंड गाइड गर्ल्स की टीम मानसी यादव और प्लाटून नंबर 9 पूर्वोत्तर रेलवे भारत स्काउट और गाइड बॉयज, प्लाटून नंबर 10 पूर्वोत्तर रेलवे सीनियर सेकेंडरी स्कूल रोहित और प्रदेश पासवान के नेतृत्व में, और सबसे देवियों, सज्जनों एवं प्यारे बच्चों, भारत के भारतांतरिक गणतंत्र दिवस के अवसर पर मैं आप सभी को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। हमारा देश आज से 71 वर्ष पूर्व गणतंत्र घोषित हुआ था। आज का दिन हम सभी को अपने संविधान के प्रति निष्ठा व्यक्त करने की प्रेरणा देता है। इस राष्ट्रीय पर्व पर मैं सीमा पर तैनात सेना एवं सुरक्षा बल के जवानों के पराक्रम एवं कर्तव्य निष्ठा की सराहना करता हूँ, जो विषम परिस्थितियों में भी देश की एकता एवं अखंडता को बनाए रखने में अपना अतुलनीय योगदान दे रहे हैं। पूर्वोत्तर रेलवे अपने तीनों मंडल इज्जत नगर, वाराणसी एवं लखनऊ के 505 स्टेशनों के माध्यम से यात्रियों को सुरक्षित, संरक्षित एवं आरामदायक यात्रा सुविधा उपलब्ध करा रहा है। हम पूर्वोत्तर रेलवे की आधारभूत संरचना एवं कार्य प्रणाली का आधुनिकरण कर यात्रियों को बेहतर एवं द्रुतगामी सुविधा देने की ओर निरंतर अग्रसर है। कोरोना संक्रमण के दौरान जब जन गतिविधियाँ पूरी तरह से थम सी गई थी, तब भी हमारे रेल कर्मियों ने देश सेवा में अप्रतिम योगदान दिया। वर्ष 2020-21 में पूर्वोत्तर रेलवे ने हर क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है। कोविड-19 के दौरान सहायता के क्षेत्र में 217 कोचों को कोविड केयर कोच में कन्वर्ट कर राज्य सरकार की मांग के अनुसार 16 विभिन्न रेलवे स्टेशनों पर रखा गया। मऊ जंक्शन रेलवे स्टेशन भारतीय रेल का पहला स्टेशन बना, जहाँ सर्वप्रथम कोविड केयर कोच में कोरोना रोगियों का उपचार किया गया। गोरखपुर स्थित नवीन नारायण मिश्र रेलवे चिकित्सालय में
लेवल 1 के 200 बेड एवं लेवल 2 के 25 बेडों तथा इंजन तथा मंडल चिकित्सालय में लेवल 1 के 110 बेडों की व्यवस्था की गई। संपूर्ण भारतीय रेल में गोरखपुर जंक्शन स्टेशन पर सर्वाधिक 313 श्रमिक स्पेशल ट्रेनें आई जिनके माध्यम से लगभग 3,10,000 यात्री आए। पूर्वोत्तर रेलवे के विभिन्न स्टेशनों पर आई 911 श्रमिक स्पेशल ट्रेनों से लगभग 9,38,000 यात्री आए। पूर्वोत्तर रेलवे के अनेक स्टेशनों से विभिन्न नगरों के लिए 116 श्रमिक स्पेशल गाड़ियां चलाकर लगभग 1,27,000 यात्रियों को उनके गंतव्य स्थान को भेजा गया। श्रमिक स्पेशल ट्रेनों के संचालन के दौरान स्टेशन पर कोविड-19 के संदर्भ में जारी सभी निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया गया। 545 श्रमिक स्पेशल ट्रेनों के यात्रियों को यात्रा के दौरान कुल 7,30,206 फ्री फूड पैकेट एवं पानी दिया गया। कोरोना ने लॉकडाउन के दौरान पूरे देश में आवश्यक सामग्री की आपूर्ति बनाए रखने के लिए मालगाड़ियों का निर्बाध एवं सुरक्षित संचालन किया गया। इनके माध्यम से आवश्यक सामग्री जैसे खाद्यान्न, खाद्य तेल, पेट्रोलियम उत्पादों आदि की निरंतर आपूर्ति की गई। इस दौरान मेडिसिन, मेडिकल उपकरण एवं अन्य आवश्यक सामग्रियों को समय से पहुंचाने के लिए टाइम टेबल पार्सल विशेष गाड़ियां भी संचालित की गई। कोविड-19 से बचाव हेतु 80,539 मास्क, 3,088 लीटर सैनिटाइजर तथा 28,600 पीपीई किट एवं अन्य सुरक्षा उपकरणों का इन हाउस उत्पादन किया गया। आधारभूत संरचना के विकास के क्षेत्र में निम्नलिखित कार्य किए गए और यहाँ नंदगंज एवं कछुआ रोड माधो सिंह खंड का दोहरीकरण एवं विद्युतीकरण कर यात्री यातायात हेतु खोल दिया गया। माननीय महाप्रबंधक महोदय मैम थोड़ा सामने देखिएगा। मैम इधर सारी छोड़ दें। है कृपया अपने उत्साह का प्रदर्शन अपनी तालियों के माध्यम से हमारा 72वां गणतंत्र दिवस है और इस गणतंत्र दिवस पर हम सब अपने कार्यों की समीक्षा करते हैं। देश के जो शहीद जिन शहीदों ने हमको यहाँ तक पहुँचाया उनको याद करते हैं, उनको नमन करते हैं और अपने द्वारा किए गए कार्य को की समीक्षा करके कितना हमने अच्छा कार्य किया, क्या करना है आगे, इस सब की समीक्षा करते हैं। देश संदेश सिर्फ ये है कि हमें मेहनत से लगन से कार्य करते जाना है, बिना किसी दुराव के, छिपाव के, बिना किसी के प्रति विशेष प्यार से देश के लिए, देश की उन्नति के लिए हमेशा हमको कार्य करते जाना है।